दोस्तों आज के इस वीडियो में दुबई टूरिस्ट वीजा यानी कि सिंगल एंट्री वीजा को लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्या क्या पूछा जाता है और कितना का पेमेंट होने वाला है, सारा कुछ यहां पे लाइव होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाता हूँ। वैसे तो दोस्तों जैसे ही आप गूगल के ऊपर यूएई टूरिस्ट वीजा या दुबई टूरिस्ट वीजा सर्च करोगे, अनलिमिटेड वेबसाइट आपके देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको इंडिया का ट्रस्टेड वेबसाइट के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं MMT दुबई वीजा और एंटर कर देते हैं। आप देख लीजिए फर्स्ट पेज के ऊपर आ चुका हाउ टू अप्लाई दुबई यूएई वीजा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे डिटेल में खुल के आ चुका है, जो कि हमें MMT तीन स्टेप में वीजा निकाल के दे देगा। सबसे पहला स्टेप में है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फॉर्म फिल करना है, जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा स्टेप में हमें पेमेंट कंप्लीट करना है और तीसरा स्टेप में हमें वीजा मिल जाएगा। ईमेल के ऊपर या इनके एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे गेट दुबई वीजा ऑनलाइन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए किस टाइप का आप वीजा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 30 डे स्टे सिंगल एंट्री, ये वाला वीजा मैं लेना चाहूंगा, तो ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और वीजा प्रोसेसिंग टेक्स 5 to 7 वर्किंग डे। हालांकि दोस्तों ये इमिरेट्स के यानी कि यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आप करोगे तो भी ये 5 से 7 दिन का समय ले लेगा, तो क्यों ना हम ट्रस्टेड MMT के थ्रू ही वीजा अप्लाई करें। चलिए वहां पे प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लीजिए 7,190 रुपये आपको लगने वाले हैं पर पैसेंजर के हिसाब से। व्यू प्राइस ब्रेकअप के ऊपर हम देखें तो MBC का जो फीस है वो 6600 रुपये का रहने वाला है, जो कि ऑफिशियल प्राइस है, और 500 रुपये आपको सर्विस चार्जेस लगेंगे और 90 रुपये GST, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 590 रुपये ही एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं MMT से अगर आप वीजा लेते हो तो। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए अपलोड कलर्ड पासपोर्ट कॉपी, यहाँ पे पासपोर्ट का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन यह है कि पासपोर्ट का जो एक्सपायरी है वो एटलीस्ट 6 महीना बचा होना चाहिए, तभी आप यूएई के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पासबुक का कॉपी भी हमें अपलोड करना है, इसी के साथ साथ एक फोटोग्राफ हमें अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था थ्योरी, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हमें नेम एंटर करना है एज पर पासपोर्ट, और यहाँ पे सरनेम यानी कि लास्ट नेम एंटर करना है, और एज यहाँ पे एंटर करके जेंडर सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और जितने भी पैसेंजर हैं आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे पैसेंजर एड कर सकते हैं 1-2-3 करके। फिलहाल मैं एक ही डिटेल ऐड करता हूं, तो चलिए मैं यहां पे अपना डिटेल फिल कर दिया हूं। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहां पे एंट्री डेट आ चुका है, डेट ऑफ एंट्री 29 अक्टूबर 2023 और डेट ऑफ एग्जिट 5 नवंबर 2023। इसके बीच में आप एक एंट्री ले सकते हैं और इस डेट के अंदर अंदर ही आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम 5 से 7 दिन का यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे आपका ट्रेवल। और यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी ट्रेवलर यहाँ पे हमारा नाम हो चुका है और यहाँ पे जेंडर और एज भी आ चुका है। चलिए अब यहाँ पे हमें ईमेल आईडी एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू टू पे के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि दोस्तों उससे पहले कह रहा है कि आप MMT में एटलीस्ट लॉग इन करो तभी तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो चलिए यहाँ पे लॉग इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और MMT का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन में भी कुछ नहीं, बस मोबाइल नंबर और OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, अपलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे पासपोर्ट का फ्रंट कॉपी अपलोड करना है, आप स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक किया है आपको गैलरी में से इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है पासपोर्ट का फ्रंट कॉपी और पासपोर्ट का बैक साइड दोनों यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए और दोनों कान दिखना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सेल्फी ना अपलोड करें क्योंकि सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उसमें दोनों कान दिखना अनिवार्य होता है। ये बात मुझे तब पता चला जब मैं आर्मी का भर्ती में फोटो देने लगा था, तब पता चला कि सेल्फी वगैरह नहीं चल पाता है। चलिए तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट हम अपलोड करके कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो देख लीजिए ऊपर हमने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब देख लीजिए नीचे कुछ और डिटेल पूछा जा रहा है, मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो स्पाउस के नेम है, वाइफ के नेम है, हस्बैंड के नेम है, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला नेशनैलिटी में ऑटोमेटिक इंडियन आ चुका है और रीजन पूछा जा रहा है, रिलीजन पूछा जा रहा है, यहाँ तो हम हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल आपके पासपोर्ट में मेंशन है, आप वहीं से देख करके यहाँ पे एंटर करें, ठीक है।
उसके बाद मदर नेम भी यहाँ पे एंटर करना है, फादर नेम भी एंटर करना है, जो कि आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा, सेम टू सेम वही वर्ड वही लेटर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसी के साथ साथ प्रोफेशन में आप सैलरीड है या रिटायर्ड है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, नॉन है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएगा, वो सेम चीज यहाँ पे एंटर कर देंगे। पासपोर्ट इशू डेट ये भी आपको पासपोर्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट ये सारा डिटेल आपके पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएगा, पासपोर्ट इशू पैलेस ये भी आपको पासपोर्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिए एंड में पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि क्या आपने टिकट बुक कर लिया है, तो अगर आपने बुक कर लिया है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है यानी कि नो करते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीजा तो आपको मिल जाएगा लेकिन ट्रेवल डेट से 72 घंटे के पहले आपको वहां पे पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के ही वीजा वो ओके टू बोर्ड होगा। चलिए यहाँ पे टिकट हमने बुक नहीं किया तो नो के ऊपर क्लिक करते हैं। अराइवल डेट यहाँ पे फिर भी आप अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा करके डेट डाल देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, हालांकि ये अराइवल डेट आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो चलिए सारा डिटेल फिल करके सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ चुका है। अब डायरेक्टली हम कंटिन्यू टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए हमें पेमेंट कंफर्म करना है, जहां पे काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां पे देख लीजिए यूपीआई का भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, बुक नाउ, बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन है, यहां पे काफी सारे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, गिफ्ट कार्ड या वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं, ईएमआई में भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं यूपीआई के थ्रू इस पेमेंट को कंफर्म करता हूं, तो यहां पे हमें यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों यहां पे ये पेमेंट को कंफर्म नहीं करने वाला हूं क्योंकि हमें इस वीजा के नीड नहीं है, लेकिन प्रोसेस यही रहने वाला है। जैसे ही आप ये सब फिल करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके और पेमेंट कन्फर्म कर देते हैं, उसके बाद आपको 5 से 7 दिन तक का वेट करना है, आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा, जो कि उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर भी वीजा को भेज दिया जाएगा एज ए पीडीएफ। इसी के साथ साथ अगर आप मेक माई ट्रिप में लॉगिन करके भी डाउनलोड करना चाहे तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, एमएमटी में जाकर के लॉगिन करके कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही रहने वाला है कुछ तरीका जिसके थ्रू आप यूएई यानी कि दुबई टूरिस्ट वीजा सिंगल एंट्री वीजा 30 दिन के लिए आप बुक कर सकते हैं इस तरीके से, और सेफ है और ट्रस्टेड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस दोस्तों चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। अगर आप हमारा क्रेडिट कार्ड वाला चैनल देखना चाहते हैं तो वहां पे मैं क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाता हूं, अभी तक मैं 70 क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूं, तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस आपको पूरा जानकारी हमारे मेन चैनल के ऊपर मिलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तब तक के लिए नमस्कार।